हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषिकेश मिश्रा एंड वेलकम टू अवर चैनल ले एमिकस। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? बढ़िया, सेफ हो ना सब लोग? चलो सही। सो गाइस, आपको टॉपिक को आज समझ में आ गया होगा कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वीडियो ला रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में अब हम सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट छूने वाले हैं, वो है क्या? फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो हम फंडामेंटल राइट्स कवर करने वाले हैं। और फंडामेंटल राइट्स में पहले कौन सा आर्टिकल कवर करेंगे? आर्टिकल 14, जो डील करता है इक्वालिटी से। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आप राइट टू इक्वालिटी बेयर एक्ट से देखोगे तो आपको दो एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखो, आर्टिकल 14 का एसेंस क्या है यार, एंड में हम क्या अचीव करना चाहते हैं? जस्टिस, कि सबको जस्टिस मिले, है ना? ऐसा ना हो कि सब लोग एक समान ट्रीट हो, सब लोग अपनी प्रायोरिटीज अपने उनकी कंडीशन के हिसाब से ट्रीट किए जाए, है ना? अब गरीब है तो गरीब को आप अलग तरीके से ट्रीट करो, अमीर है तो अमीर को अलग तरीके से ट्रीट करो, तभी तो जस्टिस मिलेगा। अगर अमीर और गरीब को एक ही प्लेटफॉर्म पे रख दोगे और एक ही समान ट्रीट करोगे तो कहां से जस्टिस मिलेगा? तो इस फंडामेंटल राइट का एंड गोल क्या है? कि भाई जस्टिस अचीव हो किसी भी हाल में। ठीक है, तो सब लोग खुश रहे। ठीक है, तो अगर हम इसको बेयर एक्ट में देखेंगे तो दो कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, दो एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे, एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ को मैंने क्या लिख दिया? ईबीएल। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को मैंने लिख दिया है ईपीएल। आईपीएल नहीं है, ठीक है, ऐसी बात तो हुई भी नहीं। तो ये ईपीएल है, ये आईपीएल नहीं है। तो जो लोग दुखी है वो उसको आईपीएल मत ले लेना, ईपीएल ही है ये। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। तो सब पहले हम समझते हैं ईबीएल, कि ईबीएल क्या है। तो ईबीएल भैया सिंपल है कि ये इंग्लिश ओरिजिन है, यूके से आया हुआ है, इंग्लिश लॉ से आया हुआ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पहला पॉइंट कवर हुआ, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। क्यों है? पहले ये हम समझेंगे क्यों है नेगेटिव कॉन्सेप्ट। क्योंकि भाई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि जो भी लॉ है ना वो सब पर एक समान लगेगा, सब पर एक बराबर लगेगा, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, कोई स्पेशल राइट नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं दिया जाएगा, सब पे एक बराबर लगेगा। तो अगर कहीं का प्रधानमंत्री भी हो या कोई आम नागरिक भी हो, अगर लॉ है तो सब पर एक बराबर लगेगा। ठीक है, तो फिर वो चाहे आप इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, पेशेंट हो, पेशेंट, ठीक है, कोई भी हो, सब पर ये लॉ एक समान लगेगा। ठीक है, कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। तो ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। अब सर ये नेगेटिव क्यों हो रहा है? मास्टर ये नेगेटिव क्यों हो रहा है ये बताओ। क्योंकि भैया इंडिया में, अगर इंडिया की बात करें तो यार यहाँ पे सब कोई अमीर नहीं है, हर कोई रिच नहीं है या हर कोई प्रिविलेज नहीं है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं यार जो अंडर प्रिविलेज है, जैसे जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, है ना? तो हमें उन्हें अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए उनको। अगर हम एक समान ट्रीट करेंगे सबको, जो मैंने अभी आपको बोला, अगर एक समान ट्रीट करोगे तो जस्टिस कैसे मिलेगा? तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव है। प्रिविलेज नहीं है किसी को, आप प्रिविलेज नहीं दे रहे कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं आप उनको थोड़ा सपोर्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक लॉ है तो दोनों को समान लगेगा। जैसे मान लो मैन और वुमेन, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल भाई, जो मैन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत अलग है ना? मैन मतलब मैन और वुमेन कुल मिला के भले स्टेटस वाइज इक्वल हैं, लेकिन और बहुत सी चीजें हैं जिसमें वो अलग हैं। बायोलॉजिकल देख लो, दोनों बायोलॉजिकल डिफरेंट है, ऑब्वियसली सोशियोलॉजिकली डिफरेंट है। भाई जो वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि वुमेन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तो घर भी चलाना है, ऊपर से जो उसको जॉब जो करनी है वो भी करनी है उसको, है ना? तो घर चलाना है, जॉब करनी है, बच्चों का ख्याल रखना है, तो ये सब चीजें भी कंसिडर होनी चाहिए। और एक मैन की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दोनों को आप एक समान नहीं रख सकते। कि जैसे मान लो एक लॉ है कि मैन को 12 घंटे काम करना है, तो आप वुमेन को भी कह रहे हो कि उनको भी 12-13 घंटे काम करना है। ऑब्वियसली ये थोड़ा इम्पॉसिबल होगा वुमेन के लिए। क्यों? क्योंकि घर भी चलाना है उनको, उसके उसको घर को भी तो टाइम देना है। तो अगर आप एक समान लॉ लगाओगे तो ये गलत है, इसलिए ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, कोई प्रिविलेज नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, सब पर एक समान, जेनेरिक सेंस है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो अब प्रोफेसर डाइसी है, उन्होंने क्या कहा? इक्वालिटी बिफोर लॉ को रूल ऑफ लॉ कहा, इक्वालिटी बिफोर लॉ को रूल ऑफ लॉ कहा। अब रूल ऑफ लॉ क्या है मास्टर? तो रूल ऑफ लॉ भाई सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है,
सुप्रीमेसी ऑफ लॉ मतलब लॉ का हाथ सब पर है, लॉ सबसे ऊपर है, अब चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, सब पर लॉ का हाथ है। मतलब गवर्नमेंट भी अगर कोई भी डिसीजन लेगी तो लॉ के तहत लेगी, गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेगी तो लॉ के तहत लेगी। ऐसे नहीं लॉ के धज्जे उड़ा दी और गवर्नमेंट कुछ भी आर्बिट्ररी डिसीजन ले रही है या फिर कोई भी आर्बिट्ररी एक्शन कर रही है, ऐसा नहीं होगा। तो रूल ऑफ लॉ इज सुप्रीम, ठीक है? तो ये बताया गया है रूल ऑफ लॉ में, क्या बोला? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। क्लियर हुआ? तो नो, और दूसरी बार बोली नो स्पेशल प्रिविलेज, वही वाली बात बोली कि कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा भाई, जो है वो है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ कॉन्सेप्ट, आई होप क्लियर हुआ। कोई ज्यादा दिमाग ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है? अब आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वही ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, सॉरी मैं कह रहा हूँ, हाँ ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उठाया है, 14th अमेंडमेंट से, ठीक है? ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, क्यों? क्योंकि इट हेल्प्स पीपल कमिंग फ्रॉम मार्जिनलाइज सोसाइटी, ठीक है? मैंने वही कहा ना आपको, यार आपको लोगों की प्रायोरिटीज देखनी पड़ेगी, लोगों की सिचुएशन के हिसाब से ट्रीट करना पड़ेगा। अगर एक समान ट्रीट करते रहोगे तो जस्टिस नहीं होगा, इट विल लीड टू इनजस्टिस, है ना? तो उसके लिए मैं आपको बहुत बड़ी एग्जाम्पल देने वाला हूँ, आप सुनना, ठीक है? अब है नो यूनिवर्सल एप्लीकेशन, कोई यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है इसका कि सब पे एक समान लगेगा, लोगों की कंडीशन लोगों की सिचुएशन के हिसाब से लगता है। तो अगर आप ये समझ गए इतना, तो आप ये समझ गए, अब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना, कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स ऑट नॉट टू बी ट्रीटेड इक्वली। इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स ऑट नॉट टू बी ट्रीटेड इक्वली। अब इसका एग्जांपल मान लीजिए दीवार है, मैंने दो लड़के हैं, एक की हाइट बहुत बड़ी है और एक की हाइट छोटी है, मतलब नॉर्मल है, ठीक है? अब मैंने कहा कि भैया आपको दीवार फांद के जानी है, ठीक है? ये मैंने उनसे बोला, ठीक है? और मैंने क्या करा, उन दोनों को स्टूल भी प्रोवाइड कर दिए सेम हाइट के, तो मैंने क्या करा, ट्रीटेड इक्वली करा, मैंने दोनों को एक समान स्टूल दिया, एक हाइट सेम हाइट का स्टूल दिया और दीवार भी दोनों के लिए सेम है। बट प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम इसमें है कि ये तो भाई जो बड़ी हाइट वाला है वो तो इक्वल है, ठीक है? और जो बेचारा छोटी हाइट वाला है वो अनइक्वल है। तो इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल ऑट नॉट टू बी ट्रीटेड इक्वली। आप छोटी हाइट वाले को भी वैसे ही ट्रीट कर रहे हो जैसे वो बड़ी हाइट वाला है, भाई वो तो वैसी बड़ी हाइट का है, उसको तो वैसी एक एडवांसमेंट है बड़ी हाइट का, ऊपर से आपने स्टूल भी दे दिया उसको तो और एडवांसमेंट मिल गया उसको, और एडवांस कर दिया मतलब और अच्छा और बेनिफिट दे दिया आपने उसको। तो एक तो पहली हाइट बड़ी थी, ऊपर स्टूल भी दे दिया तो और बेनिफिट हो गया, वो उसको आपने स्टूल दिया, आपने ट्रीटेड इक्वली किया, बट वो उसके बराबर नहीं पहुंच सकता ना चाहे भी, तो उसको उसकी तरह ट्रीट मत करो, है ना? उसको डिफरेंट वे में ट्रीट करो, या तो ऐसा करो कि भाई सेम हाइट का वो बड़ी हाइट का तो आप भी बड़ी हाइट का लड़का लेके आओ, फिर आप करो तो एक लेवल सेम है, या अगर वो उसकी हाइट छोटी है तो आप दूसरी तरफ छोटी हाइट का लड़का लाओ, दोनों को समान ट्रीट करो, ऐसा नहीं है कि। तो यही बोला गया है, ये एग्जांपल दिया है कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, अगर इक्वल को ट्रीट करना है ना इक्वली तो बड़ी हाइट का लाओ, एंड अनइक्वल छोटी हाइट का ऑट नॉट टू बी ट्रीटेड इक्वली, उसको उसके हिसाब से ट्रीट मत करो क्योंकि तो दोनों की प्रायोरिटीज डिफरेंट है ना? क्लियर हुआ? तो ये एक एग्जांपल था जो मैं बताना चाहता था, आई होप क्लियर हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि उसको वैसे ट्रीट मत करो जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो दो लड़के हैं, ठीक है? एक 12th का लड़का है, एक 5th क्लास का लड़का है, ठीक है? मैंने एक पेपर बनाया जिसमें मैंने सिलेबस कवर किया 10th से 12th तक का, या फिर 10th से 11th तक का सिलेबस कवर किया, और मैंने दोनों को पेपर बांट दिया, या फिर दो नहीं 5-6 लड़के हैं, ठीक है? 5-6 5th के हैं और 5-6 12th के हैं, ठीक है? मैंने एक पेपर बनाया जिसमें मैंने 10th से 11th 9th से 11th तक का सिलेबस कवर कर लिया और मैंने उन पेपर सबको बांट दिया, एक ही पेपर बांटा सबको, तो मैंने क्या किया, ट्रीटेड इक्वली, सबको बराबर पेपर दिया। बट इक्वल कौन है? वो कौन? 12th वाले भाई, 12th तक पढ़ा है तो 10th 11th 9th का तो बेसिकली उन्हें आता ही होगा। अब जो 5th क्लास का बच्चा है जो कि अनइक्वल है, उसे क्या पता
कि 9th में क्या है, 10th में क्या है, उसे तो अपने सिलेबस का पता होगा ना, या अपनी छोटी क्लास के सिलेबस का पता होगा, फोर्थ थर्ड फोर्थ का, उसको तो 9th 10th का ऑब्वियसली नहीं पता होगा। तो ये क्या हो गया, इनजस्टिस हो गया, आपने इक्वल और अनइक्वल को एक साथ एक ही वे में ट्रीट कर रहे हो, वो इक्वल है और वो अनइक्वल है, तो आप उसको एक ही वे में ट्रीट कर रहे हो, तो इनजस्टिस तो होगी। तो अच्छे से ट्रीट करने का तरीका क्या है, अच्छे से ट्रीट करने का तरीका ये है कि भाई एक ऐसा पेपर बनाओ जिसमें थर्ड फोर्थ के लोअर क्लासेस का आपने क्वेश्चंस कवर किए हो, और एक पेपर बनाओ जिसमें आपने 9th 10th 11th के क्वेश्चंस कवर किए हो, तो आप कह सकते हो कि दोनों अब सेम उस पे हैं, है ना। तो यही है, इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। वो 5th क्लास के बच्चे को 12th क्लास के बच्चे की तरह ट्रीट मत करो, क्लियर हो कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लियर है। अगर ऐसा करते हो तो इनजस्टिस लीड होगी, इनजस्टिस लीड होगी तो आर्टिकल 14 का वायलेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आई होप क्लियर हुआ। अब दो चीज समझ चुके हैं, अब हम एक केस और देखते हैं जिसे, कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। इसमें क्या बोला कि जो बोथ द एक्सप्रेशन है ना, ईबीएल और आईपीएल, ईपीएल ये क्या है, कोरोलरी है नेचर में, क्या है कोरोलरी। कोरोलरी क्या होता है कि एक दूसरे को फॉलो करते हैं, ईपीएल ईपीएल को फॉलो करता है, ईपीएल ईबीएल को फॉलो करता है, कितनी बढ़िया रिलेशनशिप है ना। तो ये दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर ईपीएल का वायलेशन होगा तो ईबीएल का भी वायलेशन होगा, और ईबीएल का वायलेशन होगा तो ईपीएल का भी वायलेशन होगा, ठीक है। अगर एक का वायलेशन हुआ तो दूसरे का अपना वायलेशन हो जाएगा, मतलब आर्टिकल 14 का वायलेशन हो जाएगा, क्लियर हो कॉन्सेप्ट। तो अगर मैंने ट्रीटेड, अगर मैंने एक अनइक्वल को इक्वल को वैसे ही ट्रीट किया जैसे मैं इक्वल को ट्रीट कर रहा हूं, तो बेचारे अनइक्वल के अगेंस्ट तो इनजस्टिस हो जाएगी, तो ये वायलेशन हो जाएगा, ये वायलेट हुआ तो भाई साहब ये वायलेट हो जाएंगे, ये चार चला वायलेट होगा तो आर्टिकल 14 वायलेट हो जाएगा, ठीक है मास्टर, क्लियर। अब एक केस लॉ है, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण, इंदिरा नेहरू गांधी से राज नारायण 1975 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या बोला था कि जो रूल ऑफ लॉ है ना भाई, वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो जो रूल ऑफ लॉ है वो एक बेसिक फीचर है, आप उसको अमेंड नहीं कर सकते कि कुछ भी कर दिया अमेंड कर दिया, ठीक है। चलो तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गए, अब हम एक डॉक्ट्रिन, तीन डॉक्ट्रिन पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आर्टिकल 14 परमिट करता है, ठीक है। वो क्या डॉक्ट्रिन है, पहली डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, जो कि कहां से आई थी, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफएन बलसारा 1951, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफएन बलसारा 1951 से ये डॉक्ट्रिन आई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ये क्या कहती है कि भैया क्लासिफिकेशन जो आप कर रहे हो ना वो रीजनेबल होना चाहिए, जो भी क्लासिफिकेशन आप करो, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा आपको क्लियर हो जाएगा, जो भी क्लासिफिकेशन करो वो रीजनेबल होना चाहिए। तो हमने कहा भाई क्या मेजर है रीजनेबल के, क्या क्या क्राइटेरिया है, तो उन्होंने बोला भाई साहब जो क्लासिफिकेशन आप कर रहे हो ना वो मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, मतलब कि एक उस क्लासिफिकेशन के पीछे एक दिमाग लगा होना चाहिए, आपने एक दिमाग लगाया हो, आपने दिमाग लगा के एक लॉजिकल रीजन हो उसके पीछे, उस क्लासिफिकेशन के पीछे एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए, ठीक है, जो हमें पल्ले पड़ सके, जो हम हजम कर सके, ठीक है। तो एक ऐसा रीजन होना चाहिए, और दैट बेसिस इट इज हेल्पिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, मतलब एक रैशनल नेक्सस होना चाहिए भाई, एक ऑब्जेक्ट होगा ना आपके दिमाग में, तभी तो आप क्लासिफिकेशन करोगे कि भाई मेरा एक पर्पस है, इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए मैं ये क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, मैं इसमें एक दिमाग लगा रहा हूँ, एक इसके पीछे ये जो क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ उसका एक अच्छा रीजन है, ठीक है, और वो जो रीजन है उसका नेक्सस होना चाहिए इस पर्पस से, मतलब वो क्लासिफिकेशन हेल्प करना चाहिए मेरे पर्पस को फुलफिल करने में, मेरे पर्पस को अचीव करने में वो क्लासिफिकेशन मेरी मदद करे। क्लियर हुआ नहीं हुआ होगा, अब मैं आपको एग्जांपल देके क्लियर करता हूँ। जैसे मान लो मेरा एक स्कूल है और मेरा पर्पस है, मेरा ऑब्जेक्ट है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करूँ अपने बच्चों को, ठीक है। तो मैंने क्या किया लोगों को बुलाया कि भैया आ जाओ इंटरव्यू दो अपना और आ जाओ, 40 टीचर आ गए। अब 40 टीचर आए तो मुझे, मेरा पर्पस क्या है, अच्छी एजुकेशन देना, तो मेरी क्लासिफिकेशन भी कैसे होगी,
मैं टीचर्स को क्लासिफाई कैसे करूंगा ताकि मैं अपना वो पर्पस अचीव कर पाऊँ। ऑब्वियसली सी बात है, मैं चाहूंगा कि अच्छे टीचर्स आए, मतलब ट्रेंड टीचर्स आए, एक्सपीरियंस टीचर्स आए, और जो अनएक्सपीरियंस अनट्रेंड है वो ना आए। तो मेरी क्लासिफिकेशन क्या रही, मैंने दिमाग लगाया कि मेरी क्लासिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए। तो मेरी क्लासिफिकेशन क्या रही कि भाई ट्रेंड टीचर्स आए मेरे पास, तभी तो मेरा पर्पस फुलफिल होगा। अगर बेकार टीचर आ जाएंगे तो कैसे मैं अच्छे एजुकेशन दूंगा, नहीं दे पाऊंगा। तो मेरा पर्पस कैसे फुलफिल होगा जब मैं ट्रेंड और अनट्रेंड टीचर्स में क्लासिफिकेशन करूंगा। ठीक है, क्या ये क्लासिफिकेशन रीजनेबल है? ऑब्वियसली ये रीजनेबल है क्योंकि मेरे पर्पस को सपोर्ट कर रही है और ये रीजनेबल है। भाई अब जो अनट्रेंड है वो ये थोड़ा कहेगा मेरा राइट टू इक्वालिटी इंफ्रिंज हो गया क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं पढ़ाना। ऑब्वियसली सी बात है भाई, पढ़ाना नहीं आता तो पहले पढ़ाना सीखो, वो सब्जेक्ट पे मास्टरी करो फिर आओ, है ना। तो आपको कोई ऐसे जॉब नहीं दे देगा कि मेरा स्कूल बर्बाद, तो इसमें राइट टू इक्वालिटी कहीं वायलेट नहीं हुआ क्योंकि मैंने, मेरी जो क्लासिफिकेशन थी वो रीजनेबल थी और वो जो मेरा पर्पस था उसको, उससे मेरा डायरेक्ट नेक्सेस है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये है रीजनेबल क्लासिफिकेशन और ये आर्टिकल 14 में प्रोटेक्टेड है। क्लियर है? आर्टिकल 14 मुझे प्रोटेक्ट, मतलब ये मेरा आर्टिकल 14 में वायलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आर्टिकल 14 वायलेट नहीं कर रहा हूँ। अगर रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है तो आर्टिकल 14 वायलेट कर देगा, पर मैं नहीं कर रहा। अब देखो दूसरी कंडीशन देखते हैं कि वायलेट कैसे होता है। मैंने बोला कि भैया 40 टीचर है ना, जिनके बाल ब्लैक हैं, जिनके बाल काले हैं वो आ जाओ, जिनके बाल सफेद हो घर चलो। जिनके बाल काले हैं मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो जिनके बाल सफेद हैं या कोई भी रंग के हैं उन्हें मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, घर जाओ। अब ये कैसी क्लासिफिकेशन है? इलॉजिकल, कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई इंटेलिजिबल डिफरेंशिया नहीं है इसके पीछे, ना ही इस क्लासिफिकेशन का मेरे पर्पस से कोई नेक्सेस है, कनेक्शन है। भाई अगर काले बाल वाले आएंगे तो क्या मेरी एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, क्या मैं वो अच्छा पढ़ाएंगे बच्चों को? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या पता जो सफेद बाल वाला हो ज्यादा एक्सपीरियंस हो। तो इस क्लासिफिकेशन का कोई नेक्सेस नहीं है, बेकार है बिल्कुल। तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। तो कोई कह सकता है कि भाई ये हमारे आर्टिकल 14 का वायलेशन है, कोई कह सकता है ये, और अलाउ हो जाएगा। तो ये जो होते हैं ऐसे टाइप के क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? क्लास लेजिस्लेशन। ये कौन से क्लासिफिकेशन है? क्लास लेजिस्लेशन। कि भाई जो मेरी ऐसी शर्ट है जो पहना है वो सिलेक्ट हो रहा है, जो हरी पीली नीली जो भी पहना है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये सब क्या है? क्लास लेजिस्लेशन। कास्ट के बेस पे सिलेक्ट करना, इन सब के बेसिस पे जो भी सिलेक्शन होता है वो सब कास्ट क्लास लेजिस्लेशन होता है। आर्टिकल 14 इसको प्रोहिबिट करता है, फोरबिड करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? डॉक्ट्रिन ऑफ क्लास, रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ इस एग्जांपल से? ठीक है, ट्रेन एंड ट्रेन और काले बाल सफेद बाल। ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ बॉम्बे वैसे एफएन बलसारा में आया था। फिर आया यार कि ये फिर क्या आगे, जब जैसे देखो भाई मैं बता रहा हूँ कि इंडिया बहुत डायनेमिक है, इंडिया में बहुत से डेवलपमेंट्स होते रहते हैं। जैसे पहले ट्रांसजेंडर साहब, देखो एलजीबीटी के कोई राइट्स नहीं थे, वो बेचारे कितने सालों से लड़ रहे हैं, आज उनके पास राइट्स हैं, सेक्शन 377 हटा, है ना। तो यार बहुत डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। तो कहा गया यार तो डॉक्ट्रिन और रीजनेबल क्लासिफिकेशन है ना, ये बहुत डॉक्ट्रिनल अप्रोच है यार, कि अगर ये फुलफिल हो गया, ये फुलफिल हो गया तो क्लासिफिकेशन सही है, तो आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है, वरना मतलब ये बहुत डॉक्ट्रिनल अप्रोच है। जैसे सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखोगे तो उसमें अगले एसेंशियल दिए कि भाई ये फुलफिल हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है। तो ये सब चीजें बहुत डॉक्ट्रिनल हो जाती है। तो कहा यार ये आर्टिकल 14 है ना, ये डॉक्ट्रिनल अप्रोच पे नहीं हम चला सकते। मान लो गवर्नमेंट ने कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं किया, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा एक्शन लिया जो आर्बिट्ररी है, तो क्या वो आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं होगा? इसके हिसाब से तो नहीं होगा, कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत डॉक्ट्रिनल अप्रोच है, बहुत बहुत मतलब बहुत नैरो अप्रोच है। तो इसको वाइड करने के लिए डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ एंटी आर्बिट्रेरीनेस 1974। ठीक है, जल्दी समझते हैं इसमें। इसने बस सिंपल बोला भाई कि कोई भी एक्शन जो आर्बिट्रेरी है वो आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, वो आर्टिकल 14 का वायलेशन है, बस खत्म, बात खत्म। अब आर्बिट्रेरी क्या है मास्टर, जल्दी बताओ। आर्बिट्रेरी क्या है बेटा? आर्बिट्ररी है, इलॉजिकल, मतलब कोई भी एक्शन, आर्बिट्ररी एक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्शन जो इलॉजिकल हो, जो नॉन रीजनेबल हो और जो इरेशनल हो। ठीक है,
इलॉजिकल हो, इरेशनल हो, नॉन रीजनेबल हो, वो होता है आर्बिट्ररी एक्शन। तो ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974 के थ्रू ये डॉक्ट्रिन आई, इसमें यही बोला गया कि भैया जो आर्टिकल 14 है ना भाई साहब, वो बहुत डायनेमिक है, बहुत से डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, हम इसको आउट केज नहीं कर सकते, हम इसको केज नहीं कर सकते ऐसी डॉक्ट्रिनल अप्रोच में कि अगर ये फुलफिल हुआ, ये फुलफिल हुआ तो ही वो वायलेशन नहीं है, अगर नहीं हुआ तो वायलेशन है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो ईपी रोयप्पा ने ये बोला कि आर्टिकल 14 है डायनेमिक इन नेचर, हम इसको आउट केज नहीं कर सकते, हम इसको बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी बहुत सी सिचुएशन है यार जो इसके परे है, जो इस डॉक्ट्रिन के थ्रू सॉल्व हो नहीं सकता। ठीक है, तो ईपी रोयप्पा में आया, मेनका गांधी वैसे यूनियन ऑफ इंडिया में क्या बोला, इसका स्कोप बता दिया कि स्कोप ऑफ आर्टिकल 14, इसका स्कोप डिस्कस हुआ था। ठीक है, कि वाइड करो भैया इसको, थोड़ा डायनेमिक नेचर का है। ठीक है, तो ये डिस्कस हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ एंटी आर्बिट्ररीनेस में ईपी रोयप्पा के थ्रू आया। फिर एक आखिरी टेस्ट बचता है वेडनेस वरी टेस्ट, ये भी यही बोलता है 1948 का केस है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेम वही बात कह रहा है, क्या कह रहा है कि द कोर्ट सेड एनीथिंग व्हिच इज इलीगल इरेशनल, एनी द कोर्ट सेड एनीथिंग व्हिच इज इलीगल एंड इरेशनल कैन नॉट बी ए प्रॉपर लॉ एंड वुड बी अगेंस्ट ईडीएल एंड आर्टिकल 14। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी चीज जो कि इलीगल है, जो इरेशनल है, वो एक प्रॉपर लॉ नहीं है और वो आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ के अगेंस्ट है, मतलब ईपीएल के अगेंस्ट है और आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ एक कॉन्सेप्ट पूरा जो भी मैंने आपको बताया था ना, कि भाई चाहते क्या है हम लोग, कि हम लोग सबको एक समान ना ट्रीट करें, हम लोग उनके नीड्स, उनके स्टेटस, उनका सब कुछ देख के ट्रीट करें। ठीक है, इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड इन डिफरेंट वेज, जो अनइक्वल हैं उनको अलग तरीके से ट्रीट करो और जो इक्वल हैं उन्हें जैसे उन्हें इक्वली तरीके से ट्रीट करो, है ना। वो एक छोटी आई बड़ी आई कि अगर सेम प्लेटफॉर्म दे दोगे दोनों को तो इनजस्टिस तो होना ही है। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, मजा आया, समझ में आया, अगर अभी कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं बिल्कुल आपको टाइप करके बताऊंगा कि क्या आपको प्रॉब्लम है, मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से यार पूरा आपको कोशिश करी बताने की। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, समझ में आया हो, मज़ा आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को यार प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बहुत सपोर्ट की जरूरत है गाइस। और कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम आई हो प्लीज मुझे बताओ, डायरेक्ट मैसेज करो, जैसे भी करो, अगर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैं मिल जाऊंगा, ऋषिकेश मिश्रा DGS करके मेरी इंस्टा आईडी है, तो आप वहां पे मुझसे पूछ लो या आप कमेंट में मुझे बता दो या जहां मुझे पूछ सकते हो पूछो, मैं आपको क्लियर करूंगा। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, सो थैंक यू।